झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? दिल में। हिंदुस्तान की मिट्टी में पले बढ़े हर शख्स के लिए तिरंगे की क्या अहमियत है ये बताने की जरूरत नहीं है। जिस तिरंगे के लिए देश के जवान सीमा पर खड़े हैं, जिस तिरंगे के सामने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, उसी तिरंगे का अपमान अगर कोई हिंदुस्तान का नमक खाने वाला ही कर दे तो हर हिंदुस्तानी का खून खौलना लाजमी ही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने देश के तिरंगे के लिए कुछ ऐसा ही कहा है, जिसे बीजेपी ने मुंहतोड़ जवाब दिया ही है। कश्मीर के जावेद कुरैशी ने भी अपनी पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को करारा जवाब दिया है और कपड़े फाड़कर बता दिया कि हिंदुस्तान और तिरंगा कहां बसता है। दरअसल मोदी सरकार ने जब से कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई की है, तभी से महबूबा मुफ्ती बौखलाई हुई हैं और लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रही हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने यही किया। मोदी सरकार को उन्होंने इशारों ही इशारों में डकैत कहते हुए कहा, जब तक उनके हाथ में जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं आ जाता तब तक दूसरा कोई झंडा नहीं उठा सकती है। मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ, और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीज़ों को भी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हमारा झंडा तो ये है और हमारा इस उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा, हम वो झंडा भी उठा लेंगे। तिरंगा उठाने से इनकार कर रही महबूबा मुफ्ती को एक कश्मीरी ने सिखा दिया कि जिस देश में रहती हैं उस देश के झंडे का सम्मान कैसे किया जाता है। मुफ्ती के बयान पर भड़के जावेद कुरैशी नाम के इस शख्स ने कपड़े फाड़कर बता दिया कि हिंदुस्तान और तिरंगा उनके दिल में बसता है। कपड़े फाड़ के, ये कपड़े फाड़ के हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? दिल में। हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? दिल में। तिरंगे की इज्जत इस दिल में है, इस दिल में है, इस दिल से कोई निकाल नहीं सकता है, इस दिल से इस तिरंगे को कोई निकाल नहीं सकता है। जावेद कुरैशी नाम के इस कश्मीरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती अगर दोबारा तिरंगे के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करती है तो वो उन्हें पाकिस्तान भेज देंगे। मैं इसे वाजिया करना चाहता हूँ, अगर आपने दोबारा ऐसी भी कोशिश की ऐसी बयान देने के लिए, मैं आपको भगा भगा कर पाकिस्तान भेज दूंगा। और आप तैयारी करिए, आप तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए, पाकिस्तान गोल करके रखो। मैं जावेद कुरैशी आपको कहता हूं कि आपको मैं अब खोटी सियासत यहां पे नहीं करने दूं। तिरंगे के खिलाफ बयानबाजी करने वाली महबूबा मुफ्ती को जिस तरह से कश्मीरी युवक जावेद कुरैशी ने जवाब दिया है, उसे सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किया जा रहा है। मानसी कॉल नाम की ट्विटर यूजर ने तंज मारते हुए लिखा, मैं महबूबा महबूबा चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। रिया अग्रहरी नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा, हिंदुस्तान हर सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। चंदन कुमार नाम के शख्स ने लिखा, लाखों लाख बार कश्मीरी जावेद कुरैशी के देशभक्ति और जज्बे को मेरा सलाम। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता हो या महबूबा या फारूक अब्दुल्ला या देशद्रोही, कांग्रेस को सही जवाब दिया है कश्मीर के सच्चे देशभक्त कश्मीरी भाई ने। वंदे मातरम। आशीष शर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा,
महबूबा मुफ्ती को कश्मीरी मुस्लिम व्यक्ति का ये वीडियो देखना चाहिए, वो ऊपर से नीचे तक हिल जाएंगी। अब समय आ गया है कि भारत विरोधी बयान बंद करें कश्मीर के राजनीतिक दल। बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह ने भी महबूबा मुफ्ती को लताड़ते हुए कहा, कभी कभी कश्मीरी नेता अलगाववादियों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है, जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। ऑन द वन हैंड ही क्लेम्स टू बी द सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम politician of India, and on the other hand, he has reservations in carrying the tricolor, which happens to be the national flag of India. And this is what we have been maintaining for the last several years, that the so-called political parties, the so-called political leaders of Kashmir, whether they be from the PDP or from the National Conference, they sometimes tend to be even more dangerous than the apparently identified separatist groups and separatist leaders, because they have cultivated the art and craft of swearing by Mother India, saying Bharat Mata Ki Jai when in the position of power. The moment they are ousted out of power, they start swearing by Pakistan, they start questioning the integration of Jammu and Kashmir, they start raising questions on the sovereignty of India. In other words, they follow a policy of hunting with hounds and running with hare, and they've been getting away for the last several years. And therefore, I think this is now also yet another instance of the duplicity of these so-called mainstream political parties and their leaders getting exposed before the people of India. Jammu Kashmir ke BJP adhyaksh Ravindra Raina ne kaha, main Lieutenant Governor Manoj Sinha se anurodh karta hun ki wo Mehbooba Mufti ki deshdrohi tippadi ka sangyan le aur unke upar deshdroh ka case chalaye, unhein salakhon ke piche dal de. हम अपने ध्वज, देश और मातृभूमि के लिए अपने खून की हर बूंद का बलिदान करेंगे। जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, इसलिए वहां केवल एक ही झंडा फहराया जा सकता है और वो है राष्ट्रीय ध्वज। बता दें, पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद महबूबा मुफ्ती को हिरासत में ले लिया गया था, जिन्हें 14 महीने बाद 13 अक्टूबर को रिहा किया गया है। हिरासत से रिहा होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने टेबल पर रखे जम्मू कश्मीर के झंडे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब ये झंडा वापस आ जाएगा तो हम वो झंडा तिरंगा भी उठा लेंगे। जब तक हमें हमारा झंडा वापस नहीं मिल जाता, हम दूसरा कोई झंडा नहीं उठाएंगे। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है, जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे।